नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि गोडाउन वायरिंग किस प्रकार से करनी है। एक नहीं, दो नहीं दोस्तों, तीन नहीं, चार प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि चार प्रकार से आप गोडाउन वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों। वो सभी चीज़ एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत सी वीडियो बनाई थी RLC के बारे में, PLC के बारे में, CNC के बारे में, HMI के बारे में। वो सभी यदि वीडियो आपने देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। जो ऊपर हमारा आई बटन होता है वहां भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे सिंगल पुश बटन से आपको मोटर ऑन ऑफ करना है, ये बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सिंगल पुश बटन से मोटर ऑन ऑफ करना बताइए। तो उसका मैंने प्रैक्टिकल आपको एक वीडियो बना दिया है, विद ड्राइंग भी बनाया है और वैसे भी प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया है। और जो भी दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ वो सभी प्रैक्टिकल करके ही बनाता हूँ, तो सभी चीज़ आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय न लेकर आपको सीधा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ मैं कि किस प्रकार से मैंने वायरिंग डायग्राम बनाए हैं। इस वायरिंग डायग्राम में दोस्तों क्या है कि पहला बल्ब मेरा ऑन होगा, बाकी सभी बंद रहेंगे। फिर दूसरा बल्ब मैं ऑन करूंगा तो पहले वाला बल्ब बंद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं देखो, यहाँ से मैंने इन किया, इन और आउट मैंने लिख रखा है दोस्तों, देख पे आप। तो यहाँ से मैं चला तो इस स्विच को मैंने दबाया, यहाँ से दबाकर यहाँ से फेस मिला और इसकी सहायता से ये न्यूटन मिल गया, तो ये बल्ब हमारा ऑन हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे मैं चला तो इस स्विच को हमने दबाया फिर से, तो ये पीछे वाला बंद हो जाएगा और ये आगे वाला बल्ब ऑन हो जाएगा दोस्तों। इसको हम दबा देंगे तो फिर इस प्रकार से तीसरा दबाएंगे और ये चौथा दबाएंगे। जब चौथा आप स्विच दबाएंगे तो सभी बल्ब हमारे, ये बल्ब भी बंद हो जाएगा, पीछे वाले तो पहले हो जाएंगे और ये भी बल्ब बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वन एक समय में एक ही बल्ब आपका काम करेगा दोस्तों। और चारों वायरिंग मैंने अलग अलग बताई दोस्तों, तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन सी वायरिंग डायग्राम काम करेगा हमारा। तो चलते हैं दूसरी डिजाइन की, मैंने वायरिंग किया है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सभी दोस्तों टू वे स्विच में ही मैंने किया आज, सिर्फ सिंगल स्विच ही मैंने लगाया, लेकिन टू वे स्विच मैंने ज्यादा लगाया है और टू वे स्विच में ही मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सभी मैंने प्रैक्टिकल करके बताए हैं, फिर ही मैं आपको ये ड्राइंग बनाया है और वो बता रहा हूँ। चलते हैं दूसरा, ये देखो ये मैंने अलग प्रकार से किए हैं। इसी प्रकार इसमें भी जितनी आपके पास रूम है गोडाउन में उतने आप बल्ब लगा लीजिए, दो हैं तो दो, यदि चार हैं तो चार, 10 हैं तो 10, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना दोस्तों। लेकिन इसमें दोस्तों मैंने एक काम किया है कि एक सिंगल स्विच लगाया यहाँ पे और बाकी ये मेरे पांच हैं, ये टू वे स्विच हैं। एक सिंगल स्विच लगाया मैंने, बाकी टू वे स्विच लगाए। इसमें क्या है, देखिए इधर से हम इन आउट होंगे, इन भी इधर से होंगे, आउट भी इधर से होंगे। हम इसमें मान लीजिए स्विच हमारे को दबा दिया है, ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है। फिर ये ऊपर कर देंगे तो आगे वाला बल्ब ऑन हो जाएगा, लेकिन ये पीछे वाला बल्ब बंद हो जाएगा। एक समय में एक ही कमरे में बल्ब जलेगा आपका। ये पावर सेम के, मान ली इस कमरे में हमने काम कर लिया है, फिर अगले कमरे में काम करना है तो इस बल्ब को बंद कर देंगे और आगे वाले कमरे में हम वह बल्ब ऑन कर लेंगे। फिर इसी प्रकार ये स्विच हम दबा देंगे तो ये आगे वाला बल्ब जल जाएगा, हमारे पहुंचने से पहले बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। हम कमरे में जाएंगे तो बल्ब आपको ऑन ही मिलेगा, लेकिन ये हमारा बंद हो जाएगा। इसी प्रकार इसको दबाएंगे हम तो ये बल्ब ऑन होगा और इसको दबाएंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज आप दबाते रहेंगे तो ऑन हो जाएगा, और लास्ट में इस स्विच को दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा हमारा। लेकिन दोस्त कई सोचते हैं कि हमें मान लीजिए दो कमरे में काम करना है तो किस प्रकार से वायरिंग करेंगे। इसमें तो क्या है कि एक समय में एक ही कमरे में आप काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत से दोस्त मेरे को पता है कि पूछेंगे कि दो कमरे में हम बल्ब ऑन करने हैं एक साथ तो फिर हम कैसी वायरिंग करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने अलग वायरिंग डायग्राम बनाया दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से वायरिंग डायग्राम बनाया है। तो एक दोस्तों रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए दोस्तों, ताकि वो भी देख सकें किस प्रकार से ये वायरिंग डायग्राम बनाकर चेक कर सकें। और इससे पहले भी मैंने एक सिंगल पुश बटन से मोटर को ऑन ऑफ किस प्रकार से करना है उसका भी डायग्राम बनाकर बताया था मैंने, और विद प्रैक्टिकल भी बताया था किस प्रकार से उसकी वायरिंग करनी है, और आप देख भी सकते हैं। तो चलते हैं हमारी तीसरी नंबर की डिजाइन,
ये वायरिंग है वो किस प्रकार से की है। देखो इसमें ये अलग है दोस्तों, इससे पहले मैंने दो आपको अलग डायग्राम बनाकर दिखाए थे कि एक समय में एक ही बल्ब काम करेगा, लेकिन इस डायग्राम में आपको ऐसा नहीं है। इसमें आपकी च्वाइस है दोस्तों, किस कमरे में आपको काम करना है उसी कमरे का बल्ब ऑन कर दीजिए, और जिस कमरे में आपको जाना है उसी कमरे में आप जा सकते हैं और उसी का बल्ब आप ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए इधर से आप इन हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और ये बल्ब हम यहाँ दबा देंगे, या अभी हमारी ये स्विचिंग आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से है, लेकिन मैं इस बल्ब को दबाऊंगा यहाँ पे तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा दोस्तों। अगर इस स्विच को दबाऊंगा तो ये भी हमारा ऑन हो जाएगा, दोनों हमारे ऑन रहेंगे। अगर इसको दबाऊंगा तो ये भी ऑन रहेगा, और इसको दबाएंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा, और इसको दबाएंगे हम स्विच को तो ये भी ऑन हो जाएगा। ये चारों पांचों बल्ब एक साथ आप ऑन कर सकते हैं स्विच को दबा दबा कर दोस्तों, और लास्ट में एक मैंने प्रीवियस स्विच लगाया इसको यदि आप दबा देंगे तो पांचों एक साथ बंद हो जाएंगे दोस्तों। इसमें ये भी आप बात देख रहे हैं, पांचों एक साथ आप ऑन भी कर सकते हैं और पांचों बल्ब एक साथ बंद भी कर सकते हैं। और जो आपकी इच्छा है दोस्तों, मान लीजिए इस कमरे में आपको काम करना है तो इसका बल्ब को आप ऊपर कर दीजिए, तो बाकी हमारे बंद रहेंगे, यही बल्ब हमारा काम करेगा। या आप इस बल्ब को काम करना है तो इस बल्ब को आप ऑन कर दीजिए तो ये बल्ब हमारा काम करेगा। इस प्रकार से आपकी इच्छा, जिस बल्ब को आपको ऑन करना है वो बल्ब आप ऑन कर सकते हैं, जिसको आपको ऑफ करना है वो बल्ब आप ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों। ये सभी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों का इससे पहले मैंने जो ड्राइंग बताई थी उसमें एक समय में एक ही बल्ब काम कर रहा था। अभी मैं दिखा देता हूँ एक बार पीछे से, ये देखिए इसमें सिर्फ ये स्विच दबाया तो ये ही बल्ब हमारा पहले ऑन होगा, लेकिन ये बल्ब नहीं होगा। तब हम इसको ऊपर करेंगे स्विच को तो ये बल्ब हमारा बंद हो जाएगा दोस्तों, और ये ऑन होगा। पर एक समय में एक ही बल्ब हमारा काम करेगा, लेकिन इससे आगे वाली जो ड्राइंग बताए उसमें ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंस देखिए आप, इसमें एक समय में एक ही बल्ब काम कर रहा है, और दूसरी डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ ये, इसमें अगर ये बल्ब कर देंगे तो ये भी हमारा ऑन होगा, अगर इस स्विच को हम ऑन कर देंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो मतलब एक समय में एक नहीं, आप दो भी काम करा सकते हैं। इसमें देखेंगे ये वायरिंग कहाँ से, इस प्रकार से ये बल्ब भी हमारा ऑन है फिलहाल, और ये भी बल्ब ऑन है, मतलब दो बल्ब तो इसमें ड्राइंग है ऑलरेडी, अभी ऑन ही है, लेकिन जब हम वायरिंग स्विचिंग करेंगे तो इसको ऑफ कर देंगे, हम इधर कर दिखा देंगे, इसको भी इधर दिखा देंगे। ये मैंने सिर्फ सैंपल के लिए बताया है कि एक तरफ ही मैंने ये स्विच कर दिए हैं। अगर यदि आपको इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये बल्ब आपको ऑन हो जाएगा पहले, और फिर ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और ये भी तीन बल्ब आपको एक साथ ऑन हो जाएंगे। लेकिन हमें जिस कमरे में काम करना है उस बल्ब को ऑन कर सकते हो, और जिस कमरे में आपको बंद करना है वो बल्ब बंद कर सकते हो दोस्तों। वो आपके ऊपर है कि कौन सा बल्ब आपको बंद करना है, कौन सा बल्ब ऑन करना है। इसमें कोई भी बल्ब आप ऑन कर सकते हैं, कोई भी बल्ब ऑफ कर सकते हैं, ये सभी का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट वाले स्विच से आप सभी बल्ब बंद कर सकते हैं दोस्तों, ये इसमें खासियत है कि लास्ट वाले स्विच आप दबाएंगे तो सभी बल्ब आपके बंद हो जाएंगे, ये कंफर्म है। अब इससे आगे चार नंबर डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ कि चार नंबर डायग्राम मैंने क्या किया है, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। सभी में अलग अलग मैंने बनाई है ड्राइंग, और इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। चलो ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें न्यूटन तो आप देख पा रहे हैं सभी को कॉमन किया गया है, और ये चार रूम मैंने दर्शा दिए गए हैं, और इसी चार रूम के माध्यम से आप क्या करेंगे कि ये देखो इसमें फेस हमारा है, ये सभी को कॉमन कर दिया गया ऊपर, और एक तार इधर भी आपको कॉमन कर देना है। ये सभी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और कॉमन कर दिया है। उसके बाद में देखो इधर से हम इसमें इन होते हैं तो क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए फेस हमारा इधर से आ रहा है और ये अटैच है, और यहाँ से तो इस ऊपर वाली लाइन में हमारा फेस आ रहा है, और ये नीचे सभी बल्ब है हमारे, अभी प्रजेंट में हमारे सभी बल्ब बंद हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि फेस हमारा इस लाइन से गुजर रहा है। अब हम जब ऑन करेंगे तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं इसमें, इस स्विच को हम उधर दबा देंगे तो ये हमारा पहले वाला बल्ब ऑन हो जाएगा दोस्तों। अगर इससे आगे चलते हैं तो फिर इसको दबाएंगे तो दूसरा बल्ब भी ऑन हो जाएगा, और पहले वाला भी ऑन रहेगा, दूसरा भी ऑन रहेगा। यदि आप चाहते हैं पहले वाले बंद करना है तो वापस स्विच को इनको ऑफ कर दीजिए तो हमारा पहले वाला बंद हो जाएगा, और इस स्विच को आप ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपकी इच्छा है कि कौन सा बल्ब ऑन करना है, कौन सा बल्ब आपको ऑफ करना है, इसमें दोनों में आप कर सकते हैं दोस्तों, कि जो भी चाहिए आपको। एक मान लीजिए कमरा हमारे, तीन कमरे में हमें, तीन पर्टिकुलर हमारे पास बंदे हैं,
तीन आदमी काम करेंगे तो तीन बल्ब एक साथ ऑन कर सकते हैं। यदि एक में काम करना तो एक बल्ब में आप कमरे में काम करना तो एक बल्ब ऑन कर दीजिए। यदि सभी में पांच कमरे में काम करना है तो पांच कमरे में एक साथ आप काम कर सकते हैं। सभी अपने अपने स्विच ऑन कर लीजिए। इसमें यदि ऑफ करना है तो सभी बल्ब एक साथ ऑफ हो जाएंगे दोस्तों। यदि स्विच को हम दबा देंगे तो ऑफ हो जाएंगे। यदि बीच में हम कोई भी स्विच दबाएंगे तो भी हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वायरिंग डायग्राम बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।